क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर वीक में आपके 7 days ही क्यों होते हैं, 6 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अर्थ को अपने एक्सिस के अराउंड ऑर्बिट करने में 24 आवर्स लग जाते हैं जिसको हम एक दिन बोलते हैं, और वहीं सन के अराउंड घूमने में 365 डेज लग जाते हैं जिसको हम 1 year कहते हैं। और हमारा सोलर सिस्टम जो एक गैलेक्सी के अराउंड रोटेट करता है 250 million years में, जिसको हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो इसी तरह से एक वीक का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? एक्चुअली में इसको एंशिएंट टाइम से ही बना लिया गया था, जहां पर लोगों ने मून की मूवमेंट नोटिस करके ये पता लगा कि मून हमारे अर्थ के अराउंड 30 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, और इन 30 डेज में मून के 4 क्वार्टर्स दिखाई देते हैं, फुल मून, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, और हर क्वार्टर 7 days का होता है, जिसे हम वीक का नाम देते हैं। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि एक वीक में आखिर 7 days होते क्यों हैं।